हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप इनके साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो अभी चैप्टर डिस्कस किया है वो है हमारा पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, और कुछ मैंने आप लोगों को नॉइस पोल्यूशंस के बारे में भी बताया हुआ है और उसके इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जो लाउड स्पीकर वगैरह हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं तो वहां से भी हमें किसी न किसी तरह की जो नॉइज़ की अगर अपन बात करें तो ये नॉइज़ वगैरह हमें सुनाई देती है और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर अपन बात करें तो ये नॉइज़ पोल्यूशंस को लेकर के या नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा नॉइज़ पोल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे महानगर हैं तो वहाँ पे जो ट्रैफिक वगैरह होता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन तो है ही, इसके अलावा एयर पोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक है उतना ही ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं और व्हीकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि व्हीकल वगैरह अगर चल रहे हैं तो वो 100% जो है ये है कि भाई वो किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या हो रहा है नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो आज हम जो देखेंगे कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, इसके अलावा स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने एयर पोल्यूशन भी पढ़ लिया है, वाटर पोल्यूशन भी पढ़ लिया है, नॉइस पोल्यूशन भी पढ़ लिया है, आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे लिख करके भेज सकते हो ताकि उसे हम यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकें। फटाफट से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया बेटा, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे आना है और गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से जो आपको फ़ायदा होगा वो ये कि आप हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा। अब टेलीग्राम चैनल पर आने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, एक सिंपल सा काम वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बनाए हुए हैं। कहने का मतलब जो ये टेलीग्राम चैनल्स हैं अपने आप में एक क्लास को रेफ़र कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सिक्स क्लास को लेकर के तो उसका जो पाथ है वो है t.me/ttb06। सेवन्थ क्लास की अगर हम बात करें तो उसका जो पाथ है वो है t.me/ttb07। एट्थ क्लास के लिए अलग है जो कि आज हमारी एट्थ क्लास है तो मैं आप लोगों को फटाफट इसके बारे में बता देता हूँ t.me/ttb08। नाइन्थ क्लास के लिए अलग है, टेंथ क्लास के लिए अलग है, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टडी मटीरियल अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को करना क्या होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है और एक सिंपल सा बात फॉलो कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है और भी ज़बरदस्त और शानदार प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम करना है वही है कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो होगा क्या, आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है जो कि है हमारी एट्थ क्लास, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बेटा तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेज, पीरियोडिक प्रिंट्स पेपर्स और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जैसा कि आज हम जो देखने वाले ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लेवल क्वेश्चंस हैं,
इसके अलावा स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है वही है कि आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बेटा तो होगा क्या, आपको यहाँ से बहुत आराम से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके लिए आप लोगों को मेरा कोड अप्लाई कर देना है जो कि है वी आर लाइफ। ठीक है, जैसे ही आप मेरे कोड को अप्लाई करते हैं, वी आर लाइफ को अप्लाई करते हैं, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 30% का डिस्काउंट में आप लोगों को जो फ़ायदा होने वाला है वो है 2700 का। ठीक है, 2700 का जैसे ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो पेबल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया हमारे पास में 6300, कितना हो गया 6300। अब जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करते हैं, तो बाय पैकेज पर क्लिक करने के बाद में आप हमारे पेमेंट मोड पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप अपने अमाउंट को, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, आप अपनी सुविधा अनुसार क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरीके की क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों को काम करना है, अपना मोबाइल उठा लेना है। मोबाइल उठाने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, नंबर डायल कर देने हैं जो कि है 9549044111। जैसे ही आप नंबर डायल करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत आराम से। इसके अलावा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने जो आप लोगों के लिए बहुत प्यारी शुरुआत करी है, वो है हमारे लिए और आपके लिए, हम सभी के लिए, वो ये कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के ज़रिए आपको पता चलेगा कि जो हमने स्टडी की है वो कितनी मीनिंगफुल है, और उसका क्या हमारे लिए, वो हम उस स्टडी से कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ओलंपियाड्स लेवल को लेकर के बात करें, चाहे वो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के बात करें, चाहे हम हमारी प्रैक्टिस लेवल को लेकर के बात करें। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ फटाफट से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग हमारा जो चैप्टर है एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें, तो ये लगभग फिनिश हो चुका है। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें, तो लगभग हमारा फिनिश हो चुका है। आज अपन इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस वगैरह देखते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से आप लोगों को कार्डिनल प्रॉमिस करना है, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। एयर पोल्यूशन हो चुका है हमारा, वाटर पोल्यूशन भी हो चुका है, कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जो है आज हमारे पास में फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें क्या हो रहा है, या जिनकी वजह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, देखो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसको काउंट करते हैं, हम हमारे वाटर को भी काउंट करते हैं। ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अब इसको किसी न किसी तरीके से क्या हो रहा है, पोल्यूशन, या ये पोल्यूट हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें बताना है कि किस तरीके से पोल्यूट हो रहे हैं।
आप लोगों को पता होगा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर पोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर पोल्यूशन कैसे हो रहा है सर, याद करो जब हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं तो वो केमिकल कहाँ पे जा करके मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वाटर के साथ में वो केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा हम बात करें ऑयल पोल्यूशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो समुद्रों के अंदर या हम एक तरीके से कहें कि जो सी वगैरह हैं या जो बोट वगैरह की अपन बात करें, जो बड़े बड़े जहाज हैं पानी के, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या हो रहा है, जो उनका वेस्ट हो गया था वगैरह होता है वो एज अ ऑयल की फॉर्म में क्या हो रहा है, वाटर में जा रहा है। और जब वाटर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा। नेक्स्ट हम बात करें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट करने का काम कर रहे हैं। रिवर डंपिंग की अगर अपन बात करें, जितने भी एक्सक्रीट वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं किससे जा करके मिल रहे हैं, रिवर से जा करके मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें मेरिन डंपिंग के बारे में, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं ठीक है ना, इनसे रिलेटेड अगर अपन बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्या करें, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो पोल्यूशन, जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं, जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज़ द मोस्ट डेंजरस वाटर पोल्यूशन। आप लोगों को पता होगा जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं और अगर ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे हैं और अगर इनका केमिकल इफेक्ट हमारे पानी के साथ में हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एक बार आप फटाफट से इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वाटर गेट्स कम्युनिकेटेड सॉरी कॉन्टामिनेटेड। देखिए वोट आर द डिफरेंट वे विच वाटर गेट्स कॉन्टामिनेटेड। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, हम लोगों ने जब वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ था, फटाफट से हम देखते हैं फॉलोइंग आर द वे बाय विच वाटर गेट्स कॉन्टामिनेटेड। फर्स्ट पीपल डिस्पोज द गार्बेज इन वाटर, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अगर इसके बारे में समझें तो आप लोगों को, चाहे हम हमारी बात करें ना करें, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये मेजर रोल हो रहा है कि जो हमारा डोमेस्टिक अगर पर्पस की बात करें तो वो जो एक्सक्रीट बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वाटर में जा करके मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करें मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज द हार्मफुल केमिकल्स डायरेक्टली, इसमें भी हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज़ भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल फर्टिलाइजर्स, जस्ट मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वाटर को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें अनट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जितने हमारे घरों की एक्टिविटीज़ हैं चाहे वो
नाना है या हम बात करें हमारे गंदे कपड़े वगैरह के बारे में बात, वो धुल रहे हैं, अब उसमें तो केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं। अब वो केमिकल्स वगैरह यूज़ होकर के जब हमारे घरों से वो बाहर निकल रहा है तो वो पानी भी तो कहीं ना कहीं जा कर के मिल रहा होगा, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर अपन बात करें एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प द रिड्यूस एयर पोल्यूशन, आप किस तरीके से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। सबसे बेहतर और सबसे असरकारक जो नतीजा है या हम पॉइंट की बात करें तो वो है जितने हो सके हम प्लांटेशन कर सकते हैं, जितना प्लांटेशन होगा एयर पोल्यूशन को हम उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ में और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फटाफट से एज इट इज़ आप लोग इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। लिखिए बेटा, लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास में अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। क्लियर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, आपसे पूछा गया है कि आपको एकदम साफ पानी दे दिया गया, ठीक है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, आपको दिखने में बिल्कुल साफ स्वच्छ नज़र आ रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है क्या ये पीने योग्य है, पोर्टेबल है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो साफ पानी है बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है वो हमारे लिए पोर्टेबल है, पीने योग्य, ड्रिंकेबल है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उसके कुछ अगर अपन बात करें फीचर्स के बारे में, नो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ पॉसिबल दैट दे मे कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते वो उसको कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। दस इट इज गुड टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। जो प्यूरीफाई वाटर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जा रहा है, वाटर को प्यूरीफाई किया जा रहा है। हमारे घरों में भी बहुत सारे इस तरीके से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को प्यूरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, यू आर अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज ऑफ योर टाउन, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ द क्लीन वाटर ऑल द एज रेजिडेंट्स। आप अपनी म्यूनिसिपल पार्टी वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पे आप एक तरीके से अगर अपन बात करें जो नगर सेवा के लोग होते हैं, अगर वहाँ के आप हेड वगैरह हैं तो आप अपने जो रेजिडेंट के लोग हैं
जिस कहने का मतलब अपने आसपास के जो लोग हैं उनको आप किस तरीके से प्योर वाटर सप्लाई करने का काम करेंगे, तो सबसे पहले तो ये है कि जो क्लोरीन वगैरह होता है, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मुझे भी पता है, क्लोरीन एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है। कई बार आप लोग देखिएगा कि जो होते हैं ना स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं, तो इनके वाटर को प्योर करने के लिए, इनके वाटर को प्यूरीफाई बनाने के लिए, या इनके जो पानी को शुद्ध, ऐसा तो है नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं कहीं कहीं जगह पे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको बार 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 खाली करते रहेंगे, बार 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 नया पानी भरते रहेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे क्लोरीन वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि उस पानी को क्या किया जा सके, क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उस वाटर टैंक को क्या करना है, टाइम टू टाइम हमें प्योरीफाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में द वाटर सप्लाई पाइप्स वुड बी नॉट कम टू कॉन्टेक्ट विद द सीवेज। जो वाटर सप्लाई पाइप्स हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ से कचरा बह रहा है और वहीं पर ही जो प्योर वाटर है, जो वाटर सप्लाई हो रही है हमारे घरों के अंदर, वो कहीं ना कहीं वहाँ से होकर के निकल रही है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन दोनों को लिख लीजिए फटाफट से। चले आगे, लिख लिया होगा बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड पॉल्यूट एयर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर अपन बात करें एयर के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एयर के अंदर किसका कितना कितना कंपोजिशन होता है, कितना कितना परसेंटेज होता है। हम बात करें प्योर एयर के बारे में, जो कितना परसेंट नाइट्रोजन जिनको कंटेन करती है, 17%, 21% कितना होता है ऑक्सीजन। इसके अलावा हम बात करें CO2 के बारे में, वो कितना होता है, 0.02% जो है वो क्या होगा, CO2 होगा। अगर ये है तो इसे हम क्या कहेंगे, प्योर एयर। अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर इनमें कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो वो क्या हो जाएगी, किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे हम उसको, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे पॉल्यूट एयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू एसिड रेन। यार एसिड रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये क्या होते हैं, जो हमारे सल्फर के ऑक्साइड्स वगैरह, अपन बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह जो होते हैं, इनसे मिलकर के बनती है एसिड रेन, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एसिड रेन को मैंने आप लोगों को 3 बार बता दिया है पहले ही, हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से, क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखना है। बताइए फटाफट से क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। बताइए फटाफट से क्या होगा, बताओ 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 फटाफट से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
देखिए, अगर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, मीथेन के बारे में, और अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स या ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अपन बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें हमारे नाइट्रोजन एयर कंपोजिशंस के बारे में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, हमारी 78% कितना है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो ग्रीन हाउस गैस जो है, अगर अपन कहते हैं इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ सभी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स। अगर हम बात करें हमारे बारे में, या हम हमारे शब्दों में बात करें ग्रीन हाउस गैस के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो CO2 है उसका अगर धीरे 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 अगर रेशो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक बहुत नुकसानदायक बात है। और इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लांटेशन करना होता है, एफोरेस्टेशन करना होता है, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एज इट इज बना लीजिए फ्लावर्स। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्क्राइब द थ्रेड ऑफ टू ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, अगर हम बात करें किसके बारे में, ताजमहल के बारे में, तो यहाँ पे जो एसिड रेन है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फटाफट से, व्हाई डज द इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इफेक्ट सर्वाइव इक्विटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, इक्विटिक ऑर्गेनिज्म्स की अगर अपन बात करें, अगर मान लो इक्विटिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर हम मान लेते हैं एक तरीके से जितने भी इक्विटिक ऑर्गेनिज्म है, अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है, तो इसका नुकसान क्या इक्विटिक एनिमल्स को नहीं होगा, होगा ही सही, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज हम चाहते हैं फटाफट से, आज हमें मेन हमारा जो टारगेट है वो है हमारे प्रैक्टिस लेवल क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, 21% होता है, कितना होता है बेटा, 21% होता है। इसके अलावा हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो लगभग 0.03% के लगभग क्या होता है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो 78% जो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी अदर जो गैसेस हैं बची हैं वो होती हैं, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ताजमहल इज बींग अफेक्टेड नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, या नन ऑफ दीज, किस पॉल्यूशन से इफेक्ट हो रहा है, फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। एग्जैक्टली, एसिड रेन की अगर अपन बात करें जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज यमुना, इसके अलावा हम बात करें कावेरी, या हम बात करें चिनाब, या हम बात करें गंगा, कौन सी रिवर है, आप लोगों को पता होगा गंगा रिवर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाए जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सोइल इरोजन, या नन ऑफ दीज, क्या होगा आंसर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बताइए फटाफट से।
अरे भाई जब एयर पोल्यूशन होगी तो एयर हमारी जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और क्या करेगी वो, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। ग्रीन गैस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इज, ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ये तो हमारा जो होगा डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, हर पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। ग्रीन हाउस गैस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, CO2 हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में, 5 और 6 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों के सामने है। व्हाट कॉजेस पोल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज, ट्रीज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। या हम बात करें CNG इज अ पोल्यूटेड फ्यूल, या हम बात करें क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल या नन ऑफ दीज। एक बार बताओ, जो पोल्यूशन हो रहा है क्या ट्री कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है क्या, बताओ मुझे आप लोग, सोचने वाली बात है, क्या ट्री की वजह से पोल्यूशन हो रहा है क्या, बताइए भाई। ट्री की वजह से तो किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, तो बोथ ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा जो आंसर होगा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होगा, ठीक है। CNG की अगर मैं बात करूं, CNG कैसी गैस है, क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है ना, CNG क्लीन फ्यूल होता है, आप लोगों को पता भी होगा आज के टाइम पे CNG ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये क्या है, एक क्लीन फ्यूल है जिसकी वजह से किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों के सामने, फटाफट से मुझे आंसर बताइए। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, नेक्स्ट है हमारे पास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज इन, बताइए फटाफट से, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, शुगर मिल्स, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल सही बात है, एयर कंडीशनर, ये भी सही बात है, परफ्यूम, ये भी सही बात है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी, ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके पास में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, गंगा रिवर, चिनाब रिवर, कावेरी या यमुना, तो आप लोगों को अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है गंगा रिवर जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटीज, नन ऑफ दीज, क्या होगा बताइए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है आप लोगों को। Which of the following primary causes water pollution? That is C, human activities. C is correct answer. Question number 12 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। Question number 13. Which of the following techniques is used for reducing the total dissolved solids in water? Option A है हमारे पास में osmosis, ion exchange, distillation and both. A and B. Question number 14 की अगर मैं बात करूं, which of the following statements are true about the CNG compressed natural
कैस, क्या होगा आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, अगर हम बात करें टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में, TDS के बारे में, तो ये क्या है? एक तो हमारे पास हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को CNG के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रूप लेकर के आया और कुछ नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा इट इज क्लीन फ्यूल, इट इज क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम बात करेंगे 15 एंड 16 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड नन ऑफ द अबव। देखिए साल्ट इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बस ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन में से कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन? एफोरेस्टेशन, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, बोथ ए बी एंड सी। देखो जो वाटर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बात बतानी है आप लोगों को, बताइए। तो अगर हम बात करें एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम प्लांट्स वगैरह कर रहे हैं, तो क्या ये वाटर पोल्यूट करेगा क्या? नहीं करेगा, ये तो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर अपन बात करें ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, तो वहाँ से जो गंदा ऑयल वगैरह निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं पानी को गंदा करेगा। पेपर फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसको वापस से क्या करना होता है, रिसाइकिल करना होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो डी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट से। अरे भाई मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ए और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बाद में हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है हमारे पास में। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नोन फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज इन डैश, बताइए परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों के सामने है, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का आंसर। Thank you.
देखिए, अगर अपन बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, तो ये नॉन फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज, क्योंकि परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन तो हमारा जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा हम बात करें फॉलोइंग टेक्निक यूज डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्डर कंपाउंड इन गिवन वॉटर सैंपल दैट इज नॉन एज स्ट्रिपिंग। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा ये हमसे आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वे, व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस फ्लोराइड। देखो, कई बार क्या होता है, पानी में फ्लोराइड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फ्लोराइड इन द सेंस कि व्हाइट कलर का एक केमिकल जैसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, केमिकल ही होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए डेंजर होता है। ठीक है ना। अब फ्लोरोसिस या हम बात करें टूथकीस, या हम बात करें लंग डिजीज, या हम बात करें इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइन डिजीज वगैरह के बारे में, तो कौन सी वाली प्रॉब्लम हमें फ्लोराइड वाटर की वजह से हो सकती है, या हम जिस वाटर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लोराइड वगैरह मिला हुआ है, उसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू रिमूव द फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। फ्लोराइड को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, और फ्लोराइड वाला वाटर अगर हम लोगों ने यूज कर लिया तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बताना है फटाफट से आपको। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के अंदर तो मैं आप लोगों को बता दूं फटाफट से, वो ये कि अगर हम फ्लोराइड वाला वाटर पी रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, फ्लोरोसिस। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, किस तरीके से हम फ्लोराइड को रिमूव करेंगे बताइए। आयन एक्सचेंज एंड लाइम सॉफ्टनिंग, कहने का मतलब डी इज करेक्ट आंसर, डी की। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉटर बोर्न डिजीज, कौन सी है बताइए 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 बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 22, द मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वॉटर आर, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 का। अगर हम बात करें टाइफाइड के बारे में, कोलेरा, देखिए टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, ये सारी की सारी जो डिजीज होती है ये आपको वाटर बोर्न हो सकती है। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा हम बात करें आर्सेनिक इन वॉटर, दैट इज डी, बी एंड सी, फर्टिलाइजर्स या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होते हैं उनकी वजह से, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24, बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। देखिए, इन मोस्ट फ्रेश वॉटर लेक्स द एल्गल प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक आयन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑल ऑफ द अबव, तो वो होगा हमारे पास में फॉस्फोरस। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू पुअर वॉटर हाइजीन, तो बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर, वो होगा हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 25 एंड 26, वो है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉफ्ट वॉटर, तो बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी आप लोगों के पास में है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करता हूं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर द मेन कॉज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के बारे में बात कर रहे हैं।
देखिए अगर हम बात करें द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 30 टू 60 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर द मेन कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर बताइए फटाफट से। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ तो उसमें वाटर विद लेस देन 100 ml पर लीटर ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 की अगर अपन बात करते हैं तो वो है हमारे पास द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स पासिंग थ्रू द फिल्टर प्रोसेस फिल्ट्रेशन इज नोन एज, बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29, बताइए फटाफट से। आज सारी क्वेश्चन को हम आज ही कर डालेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ वो है हमारे पास में फ्रेश वाटर में ही होता है, ठीक है ना। जो भी सर्वे लिया जाता है तो फ्रेश वाटर को, क्योंकि ड्रिंकेबल तो वही है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स पासेस थ्रू द फिल्टर इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजरिंग द टर्बिडिटी या ऑफ वॉटर। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉटर बोर्न डिजीज। मेजरिंग ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वॉटर इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव, और मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बताया हुआ है, तो ये सभी कहीं ना कहीं आ गए थे, लेकिन मेजल्स की अगर अपन बात करें ये रिलेटेड नहीं होता है। सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास है यहाँ पे ओवर हो जाती है और इसी के साथ साथ में जो हमारा चैप्टर है वो भी लगभग फ्री हो जाता है। तो हमारे पास में अब दो चैप्टर बचे हुए हैं, एक है हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा है हमारे पास में रीचिंग टू द एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर है उसके बारे में। तो दोनों में से हम एक चैप्टर लेंगे और इसी के साथ में जो है हमारा बहुत जल्दी सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को फटाफट से नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पे लिख करके भेज सकते हो, ताकि अपन उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर 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 डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।